विकास कर रहा है। पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन आया हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सड़कें हो, नए नए व्यापार का बढ़ना हो, नौकरियों की भरमार हो, इन्हीं सब मुद्दों पर उन्होंने सरकार को वोट किया है। यही है कि शांति बनी रहे देश में और जो व्यवस्था चल रहा है इसी तरह से चलना चाहिए। पहले के मुकाबले वेल पेड नौकरियां हैं, पहले जितना आजकल आप जो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको पैसे मिल रहे हैं, तो हर तरफ प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, समृद्धि बढ़ रही है। कमियां हैं, लेकिन 10 वर्ष में आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हर चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ ठीक ही हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से परिवर्तन हुआ मुझे भरोसा है कि अगले 5 वर्ष में वो भी मेरी शिकायत दूर हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार, आप देख रहे हैं News4 Nation। जैसे ही समय 7 बजा और लोग अपनी मतदान का मताधिकार का प्रयोग कर बाहर निकले। अभी हम जिस जगह मौजूद हैं यह है प्राथमिक मध्य विद्यालय विनोदानंद झा कॉलोनी, वो बूथ संख्या कितना है भाई साहब? 25। बूथ संख्या 25 पर हैं और जो है अभी अभी इन्होंने मतदान कर निकले हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथों में वोट की चोट देकर के ये आ गए हैं। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा रहा है? मुद्दा विकास का रहा है। पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन आया हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सड़कें हो, नए नए व्यापार का बढ़ना हो, नौकरियों की भरमार हो, इन्हीं सब मुद्दों पर उन्होंने सरकार को वोट किया है। और वोट करने में एक मेरा मुद्दा विपक्ष की हैट्रिक भी है, विपक्ष की हैट्रिक लगाने के लिए भी मैंने इस बार वोट किया। ये बताइए, एक युवा भी हैं आप, युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं? युवा होने के नाते जो मैं परिवर्तन पिछले 5 सालों में देख रहा हूँ, नौकरियों की बाजार में बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो नौकरी आपको बहुत आसानी से मिल रही है और वो पहले के मुकाबले वेल पेड नौकरियां हैं। पहले जितना आजकल आप जो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको पैसे मिल रहे हैं, तो हर तरफ प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, समृद्धि बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ बताइए और क्या कुछ मधुबनी जिला के लिए होना चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई कमी है जो मुझे लगता है कि अगले 5 वर्षीय में शायद सरकार इसको एड्रेस करे। कमियां हैं, लेकिन 10 वर्ष में आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हर चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ ठीक ही हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से परिवर्तन हुआ मुझे भरोसा है कि अगले 5 वर्षीय में वो भी मेरी शिकायत दूर हो जाएगी। तो अच्छा, ये बताइए कि आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, मैं पढ़ाई कर लिया है, मैं पूरी कर ली है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और अभी मैं घर से ही काम वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। क्या लगता है यहाँ भी इंजीनियरिंग, शिक्षा, मेडिकल ये सब में काम और होना चाहिए था इस जिला के लिए? नहीं, अभी फिलहाल तो एक एक कॉलेज है, मेडिकल के लिए भी है और एक पंडोल में इंजीनियरिंग के लिए भी है, लेकिन भविष्य में अगर बढ़ती है छात्रों की संख्या तो और भी गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देगी। जो वोटर्स अभी तक नहीं आए हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि? नहीं, वोटर तो मैं चाहता हूँ कि मत प्रतिशत बढ़े, लोग इसके प्रति जागरूक हों और इसको छुट्टी का दिन ना समझें, और वोट जो है सिर्फ आप आपका अधिकार ही नहीं, आपका कर्तव्य भी है, तो इसको आके पूरा करें। ये मैं कहूँगा उन लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। क्या नाम? सत्यम। जैसे सत्यम जी से बात हो रही थी, वो उनका कहना था कि यहाँ और भी जो चीज़ें हैं वो होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वर्ष हो जाए। इन्हीं उम्मीद के साथ ये चाचा जी हैं, ये तकरीबन न जाने कई सरकार को बनते देखे होंगे, बिगड़ते भी देखे होंगे, इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा यहाँ, क्या घर से सोच करके निकले? घर से सोच कर निकले हैं वही कि जो भी वर्तमान सरकार है उसको रहना चाहिए। वो तो आपके अधिकार है, देंगे नहीं देंगे, लेकिन यहाँ मुद्दा क्या मन में चला था घर से? मुद्दा यही है कि शांति बनी रहे देश में और जो व्यवस्था चल रहा है इसी तरह से चलना चाहिए। बाल बच्चे, कितने बाल बच्चे हैं आप? एक लड़का है, एक लड़की है। क्या करते हैं? लड़की है लेडी डॉक्टर है और लड़का है वो बैंक में काम करता है, प्राइवेट बैंक में है दिल्ली में। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं उसको बाहर जाना पड़ता है क्या? मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज या कृषि कॉलेज, ये सब होना चाहिए था यहाँ से? मेडिकल कॉलेज तो वैसे है एक, लेकिन दूर है थोड़ा यहाँ से, वैसे हॉस्टल सब की व्यवस्था है वहाँ तो ठीक ही है। मेडिकल कॉलेज तो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कमी और लगता है कि और होना चाहिए था यहाँ पे? और वो है, ठीक है, साफ सफाई थोड़ा रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। क्या विकास जो आप पिछले दौर भी देखेंगे, हाँ, अब की दौर भी आप देखेंगे? नहीं, विकास तो है, वो तो उसमें तो समय लगता है ना, टाइम टेकिंग है, विकास तो हो रहा है। क्या नाम? अरविंद कुमार झा नाम। थैंक यू। अरविंद कुमार झा जी से बात हो रही थी, उनका साफ कहना था विकास तो हुआ है, हम लोग विकास के नाम पर ही वोट किए हैं,
और पिछले 2019 की बात करें तो यहाँ का वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम रहा था, तकरीबन 53% वोट हुआ था। इस बार न्यूज़ फॉर नेशन भी अपील करती हैं आम जनताओं से कि आप पहले मतदान करें फिर जलपान करें, और हम और बूथ चलते हैं और लोगों का रुझान जानते हैं कि क्या उसका इशारा किस और इशारा कर रहा है।